Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am Vanshika Tomar to share my knowledge with you. So aaj hum log samajhne wale hain class 9th ka chapter 2, that is polynomials. So let's begin the video. Ab ye polynomials kya hota hai? So it is an algebraic expression in which the power of the variable should be whole number. पॉलिनोमियल वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमने पढ़ा था क्लास 8 में, जल्दी से याद करिए. तो ये क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट कनेक्टेड टुगेदर विद ऑपरेटर्स. अब ये वेरिएबल क्या होता है? मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती है, फिक्स नहीं होती, जैसे कि ए बी सी डी. और कॉन्स्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4. तो मैंने क्या बोला? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वी कैन टेक एक्स इज अ वेरिएबल एंड अ कॉन्स्टेंट वी कैन टेक 5, जॉइन टुगेदर विद ऑपरेटर्स, मतलब प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई. तो वी कैन टेक प्लस. तो ये एक्स प्लस 5 हमारी क्या हो गई? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे क्या लिखा था? It is an algebraic expression in which the power of the variable should be whole number. तो हमारा x क्या है? Variable. अब क्या कह रहा है कि polynomial वो algebraic expression होती है जिसके अंदर जो variable की power है वो क्या होती है? Whole number. अब हम whole number से क्या समझते हैं? मतलब zero से लेके infinity जितने भी number होते हैं वो क्या होते हैं? Whole number. 0, 1, 2, 3, 4 आगे चलते रहेंगे. तो ये क्या होते हैं? Whole number. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये पॉलिनोमियल वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर. तो क्या यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? एक्स. क्या उसकी पावर एक होल नंबर है? यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1. तो बिल्कुल ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये ओनली वेरिएबल की बात कर रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट की कोई बात नहीं. तो हमें ओनली क्या देखना है? वेरिएबल. अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, फिर तो आपको पक्का समझ में आ ही जाएगा. अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है. तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x. इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है? ये रहा x और ये रहा x. अब यहाँ पर x की पावर क्या है? 2. होता है होल नंबर. यहाँ पे x की पावर क्या है? 1. 1 भी होता है होल नंबर. तो इसलिए ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या हो गई? एक पॉलिनोमियल. हम लोग कर देते हैं टिक. सेकंड एग्जांपल क्या है? 3√x प्लस 5x स्क्वायर. इसके अंदर ये रहा x वेरिएबल और यहाँ पे भी x है. अब यहाँ पे x के ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट. रूट का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नंबर मेंशन नहीं है इधर. तो हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट. तो क्या मतलब होता है स्क्वायर रूट का? मतलब जो पावर है x की वो क्या है? 1/2. अभी 1/2 तो फ्रैक्शन हो गया, होल नंबर नहीं है. तो यहाँ पे इस x की पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये 3√x प्लस 5x स्क्वायर हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं होगा. हालांकि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल है, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा. थर्ड एग्जाम्पल क्या है? 8x प्लस 5/x स्क्वायर. यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है? एक ये रहा x और एक ये रहा नीचे. अब यहाँ पर जब हम लोग इस x स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तब क्या होगा? इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज जब भी हम लोग किसी भी नंबर को ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर भेजते तब क्या होता है? उनकी पावर का चेंज. जैसे कि यहाँ पे इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव. तो यहाँ पे ऊपर आके क्या हो जाएगी? नेगेटिव. तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? 8x प्लस 5 की पावर 5x की पावर माइनस 2. अब यहाँ पे क्या है? इस x की पावर 1 है, बट यहाँ पे इस x की पावर क्या हो गई? माइनस 2. तो क्या माइनस 2 हमारा होल नंबर होता है? नहीं. तो इसलिए ये भी हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है. अब ये हमारा फोर्थ एग्जांपल क्या है? 7x^3/x^3 प्लस 5x स्क्वायर. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पे ऊपर भी क्या है?
एक्स की पावर 3 और नीचे भी एक्स की पावर 3, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच गया, ओनली 7 + 5x². अब यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, ये रहा x, इसकी पावर क्या है 2, जो कि होल नंबर होता है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, पॉलीनोमियल, यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या है 5x, x की पावर क्या है 12/4, ये आपको सिर्फ लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 क्या 4 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे x की पावर क्या बन जाएगी 3, बिकॉज 4 ने 12 को डिवाइड कर दिया, वो ओनली आपके कंफ्यूजन के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो गई x की पावर 3, क्या 3 होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है, तो इसलिए हमारी ये क्या हो गई, एक पॉलीनोमियल। अब नेक्स्ट क्या है, -15, अब इसके अंदर तो कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, ये तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, क्या ये कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्या यहाँ पे हम लोग इसको एक्स टू द पावर 0 नहीं लिख सकते, हमने एक एलजेब्रिक वो पढ़ा था, रूल बोलते क्या बोलते हैं ना, कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1, याद आया, हमने पढ़ा था क्लास 8th में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल खुद ही ले लिया और उसकी पावर क्या कर दी 0, आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि -15 a raised to the power 0। अब यहाँ पे क्या है, इस एक्स रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे इसका मतलब तब भी तो -15 ही होगा, तो इसलिए ये भी हमारे क्या है, एक पॉलीनोमियल, बिकॉज यहाँ पे इस एक्स की पावर क्या है 0 और 0 तो होल नंबर होता है। अब नेक्स्ट क्या है, 9x² + √5x⁻⁷। अब यहाँ पे इस एक्स की पावर क्या है 2 और यहाँ पे एक्स की पावर 7, 2 और 7 दोनों क्या होते हैं, होल नंबर। अब हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 5 के ऊपर रूट आ गया, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हमको वेरिएबल को देखना है, बाकी हमको कॉन्स्टेंट को या फिर कोएफिशिएंट को नहीं देखना है, तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 7 और वो दोनों क्या होते हैं, होल नंबर, तो इसलिए ये भी हमारी क्या है, पॉलीनोमियल। तो ये है सारे एग्जांपल्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इज एवरी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अ पॉलीनोमियल, क्या जितने भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे पॉलीनोमियल्स होते हैं, सोचिए जरा, तो क्या होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर, नेगेटिव, डेसिमल, कुछ भी हो सकती है, बट पॉलीनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर ही होगी, तो इसलिए जो सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलीनोमियल्स नहीं होती। क्या सारे पॉलीनोमियल्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, सोचिए, बिल्कुल, जो पॉलीनोमियल्स है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक सिर्फ पार्ट ही है, तो बिल्कुल सारे पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नो, बिकॉज सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल्स नहीं होते। तो आई थिंक अब आपको पॉलीनोमियल समझ में आ गया होगा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, लेट्स इरेज दिस। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, तो अब ये क्या होता है, द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल विल बी द डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, तो पॉलीनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाइएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, उस पॉलीनोमियल की डिग्री। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारी पॉलीनोमियल x² + 5x, तो यहाँ पे इस x की पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या है पावर x की 1, तो बड़ा क्या होता है 2 या 1, 2, तो इसलिए इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2, बिकॉज ये इस पॉलीनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। अब यहाँ पे क्या है 3√x + 5x² अब इसकी डिग्री क्या होगी, जरा सोचिए, अरे ये तो पॉलीनोमियल ही नहीं है, कैसे भूल गए, यहाँ पे क्या है x के ऊपर लगा हुआ है रूट,
रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, और इसकी बात तो बाद में है कि डिग्री क्या होगी, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट अ पॉलिनोमियल, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। अब थर्ड एग्जांपल क्या है? 9x²y + 5x⁴। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल आए हुए हैं, एक है x और एक है y। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की जो मतलब वेरिएबल्स की पावर इन्हें ऐड कर देंगे। जब भी अगर दो वेरिएबल साथ में आते हैं, मतलब वो क्या बन गई, एक टर्म बन गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए उन दोनों वेरिएबल्स की पावर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या थी पावर वेरिएबल की, 2 हो गई x की, और यहाँ y की क्या है, 1। तो 2 + 1 = 3। तो यहाँ की पावर क्या हो गई, 3, और यहाँ पे क्या है पावर x की, 4। क्या बड़ा होता है, 3 या 4? 4। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 4। अब ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज 9x⁴ y⁵ + 10x⁷। अब यहाँ भी दो वेरिएबल आ गए, एक x और एक y, तो हम लोग क्या करेंगे इनकी पावर को ऐड, तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 = 8। तो अब यहाँ की जो पावर है वो क्या हो गई, 8, और यहाँ पे क्या है पावर वेरिएबल की, 7। क्या बड़ा होता है, 8 या 7? 8। तो इसलिए यहाँ की पावर क्या हो जाएगी, 8, मतलब क्या हो जाएगी, डिग्री 8। तो ये रहा, ये था हमारा कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, लेट्स इरेज दिस। अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो जो पॉलिनोमियल है हम लोग उसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो इसके बेसिस पे जो पॉलिनोमियल से वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स पे। तो पहला क्या है, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, तो मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है, वो पॉलिनोमियल होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे 7 है, 5x³ है, और यहाँ पे क्या है, x + 3x। यहाँ तो दो टर्म्स आ गई, तो फिर ये मोनोमियल कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x। तो इसलिए ये भी हमारे क्या है, मोनोमियल। हमको ध्यान से देखना है कहीं वो लाइक टर्म्स तो नहीं है। अब सेकंड क्या है, बाइनोमियल। अगर पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स होंगी तो वो क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल बाइनोमियल। जैसे कि यहाँ पे है 9x - 3y, यहाँ भी दो टर्म्स हैं, और यहाँ पे 7x³ - 4x⁴। थर्ड है, अगर 3 टर्म्स होंगे तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। जैसे कि यहाँ पर है 7x³ - 5x² + 3x, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, और यहाँ पे क्या है, 2x² + 3x + 4y। तो इनमें से जैसे कि यहाँ पे है कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, हम लोग लाइक टर्म्स में क्या देखते हैं, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी। जैसे कि यहाँ पे क्या था, x और 3x, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। तो ये थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लेट्स इरेज दिस। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला क्या है, 0 degree पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, इफ द पॉलिनोमियल विल हैव 0 degree देन इट इज कॉल्ड 0 degree पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है, अब ये पढ़ा था डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 0 होगी, तो वो क्या कहलाएगी हमारी, 0 degree पॉलिनोमियल। एग्जांपल में क्या है, -15। जैसे कि इसके अंदर भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, हम सपोज एक्स ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -15x। अब हम लोग क्या पावर दें एक्स को, तो हमको देना पड़ेगा 0, बिकॉज x⁴ = 0 क्या हो जाएगा, 1, एंड दैट विल बी -15 × 1,
अगेन माइनस 15. फाइन. सेकंड एग्जांपल क्या है? 7, बिल्कुल सेम, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे. थर्ड एग्जांपल क्या है? 5x raised to the power 0. यहाँ भी क्या है? डिग्री 0 है, और यहाँ भी क्या थी? हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर क्या थी? वेरिएबल की 0 थी. सेकंड क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल. इफ द पॉलिनोमियल विल हैव अ डिग्री 1, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. अगर जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल 5x. अब यहाँ पर जो x की पावर है वो क्या है? 1 ही तो है. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 7x, यहाँ भी 1 है. यहाँ पे क्या है? 3x plus 9y, यहाँ पे क्या है? x की पावर, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, तो दोनों जगह 1 है, तो इसलिए ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल. थर्ड क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ द पॉलिनोमियल विल हैव अ डिग्री 2, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है वो 2 होगी, तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? 7x square plus 5x. यहाँ पे x की पावर क्या है? 2. यहाँ पे क्या है? 1. तो इनकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2. सेकंड क्या है? 9xy. अरे ये कैसे हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अभी हमने पढ़ा तो था, जब भी किसी टर्म के अंदर अगर दो वेरिएबल साथ में आते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तो हम लोग क्या करते हैं? उनकी पावर को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे क्या आ गए? 2 पावर. यहाँ पे क्या है? x की पावर 1, और यहाँ पे क्या है? y की पावर 1. तो क्या कर देंगे? 1 plus 1 2. तो अब यहाँ की पूरी पावर क्या हो गई? 2. तो इसलिए ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फोर्थ क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब ये क्या होता है? इफ द पॉलिनोमियल विल हैव अ डिग्री 3, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है वो 3 होगी, तो वो क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? 3x raised to the power 3 प्लस 5x square minus 9x. यहाँ पे x की पावर क्या है? 3. यहाँ पे क्या है? 2. यहाँ पे क्या है? 1. तो बड़ा क्या होता है? 3, 2 या 1 3. तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 7x square y. अब अगेन यहाँ पे क्या आ गए? 2 वेरिएबल, तो हम लोग क्या करेंगे? इनकी पावर को ऐड. तो यहाँ पे क्या थी पावर x की? 2. y की पावर क्या है? 1. 2 plus 1 3. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3. तो इसलिए भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब हमारा लास्ट क्या है? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्या होता है? इफ द पॉलिनोमियल विल हैव अ डिग्री 4, then it is called quadratic polynomial. अगर जो polynomial है उसके अंदर जो degree है वो 4 है, तो वो polynomial क्या कहलाएगी? Biquadratic polynomial. Example, 7x square yz. यहाँ पे क्या है? 3 variables है. x की power क्या है? 2. y की power क्या है? 1. z की power क्या है? 1. हम लोग क्या कर देंगे? इनका addition. 2 plus 1 3 3 plus 1 4. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4. तो इसलिए ये भी क्या है? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेकंड एग्जांपल क्या है? -4xyz2. यहाँ भी क्या है? 3 वेरिएबल्स. तो x की पावर क्या है? 1. y की पावर क्या है? 1. z की पावर क्या है? 2. क्या कर देंगे इनका एडिशन? क्या हो जाएगा? 1 plus 1 2. 2 plus 2 4. तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई? 4. तो ये था हमारी आज की वीडियो का कंटेंट. तो आई थिंक आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.